So we are here at the video show. अरे चलो यार. क्या कहना चाहेंगे आज का जो वीडियो ये जो शूट हो रहा है इसके बारे में? एक तो ये बहुत लास्ट मिनट हम लोगों ने डिसाइड किया, लेकिन गाना बहुत ही प्यारा है. बुलेशा का कलाम है, टाइमलेस है. और शाश्वत जो हैं इन्होंने, बहुत यंग कंपोज़र हैं, बहुत ही मेरे ख्याल से आजकल ऐसे गाने जो एक सोल लेके जाते हैं और एक पुरानी, जो नॉट पुरानी इन द रॉन्ग वे, आई जस्ट फील कि जो वो सेमी क्लासिकल जो फील होता है आजकल, वो गाने सुनने को ज़्यादा मिलते नहीं हैं. और मेरे ख्याल से ऑडियंसेस को तो हर टाइप के गाने पसंद हैं. और मैं ये भी मुझे लगता है कि देर शुड बी ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक. और ये गाना बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक तो वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ बुलेशा. बाबा बुलेशा जो हैं उनके गाने कभी पुराने नहीं कहलाएंगे, उनका जो रेलिवेंस है वो हमेशा रहता है. एंड जो फिल्म है सावी, उनके डायरेक्टर जो हैं राजीव, उन्होंने मुझे कॉल किया था. और जब उन्होंने कहानी सुनाई, मुझे लगा मेरे जो स्पिरिट के बहुत करीब है, क्योंकि एक ग्रास रूट्स का स्टोरी है. और एक अपार्ट फ्रॉम जस्ट टेलिंग योर स्टोरी टू एंटरटेन यू, इट लीव्स यू विद अ फीलिंग, इट लीव्स यू विद, अगर मैसेज कहूँ तो वो बहुत ही जैसे प्रवचन लगेगा. मेरे ख्याल से वो प्रवचन नहीं है, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. और जो फीमेल कैरेक्टर है, मेल प्रोटैगनिस्ट है, तो मुझे लगा कि मौका बहुत अच्छा था. और वैसे भी आई एम मोर एसोसिएटेड विद द ऑल्टरनेटिव, जो इंडिपेंडेंट स्पेस है. मैंने मेनस्ट्रीम में भी अभी अंबरसरिया या तलाश में गाया हो, या ऐसे फिल्म्स में भी गाया हो, लेकिन मेरे दिल के करीब सबसे ज़्यादा ये जो इंडिपेंडेंट स्पेस है, जो नॉट रेगुलर जो स्टोरी टेलिंग है, आई थिंक आई एम लकी कि आई एम गेटिंग टू सिंग अ सॉन्ग.